हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो खाना तो दूर की बात है आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। अगर आप इसे इस बार दिवाली में बनाएंगे तो सभी लोग आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। और इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप इसे अभी से बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही कम चीजों से बन जाती है। जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी। इस रेसिपी को आप इस दिवाली जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीजों से, जिसे बनाकर आप सभी का प्यार और दिल जी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट वाली ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लार्ज वाला लिया है, आप चाहे तो स्मॉल वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस लिया है लार्ज वाले के। अगर आप स्मॉल ले तो आपको 8 स्लाइस लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके हमें साइड को निकालने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से सारी ब्रेड को बराबर करेंगे। और अब आपको एक धारदार नाइफ लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसकी सहायता से आपको इसको इस तरह से कट करना है। तो दो दो करके कट करेंगे, एक एक नहीं हो पाएगा, सॉरी 4 नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हम साइड में रख देंगे और ये वाला भी कट करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ज्यादा मिनटों में बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी है। तो इस दिवाली तो इसे बनाना बनता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया है। अब ये जो हमने किया है, इसके भी हमें 2 स्लाइस करने हैं। ये देखिए, तो ब्रेड अगर आपकी सॉफ्ट होगी तो मजा आ जाएगा। तो बाहर पटाखे दग रहे हैं, माइंड मत करना। ये देखिए, इसमें हम रख लेंगे। तो चलिए बाकी भी कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जब ताजी ब्रेड होगी तो वो लचीली होगी, थोड़ा सा आपको काटने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन रेसिपी बहुत ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि हम इसको बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देंगे। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे भागों में इसको कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। आगे का हम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। एक कढ़ाही लिया, इसमें हमने तेल लिया है। तो मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी और बटर में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसे हमें पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है। जब तक आपका तेल गर्म नहीं होगा आपको नहीं डालना है, और जब आपका तेल एकदम धुआंदार गर्म हो जाए तब आपको इसके अंदर डालना है। तो इस तरह से आप हथेली को रखिए। अगर तेल बिल्कुल अच्छे से आपकी हथेली पे लग रहा है, यानी गर्माहट, तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब आपका तेल गर्म हो जाए, इस तरीके से आप ब्रेड के सारे स्लाइस इसके अंदर डाल देना और इसको आप इस तरह से चलाते जाना। तो थोड़ी देर आपको इसको अच्छे से पकाना है। तो जब आपको लगे कि आपकी ब्रेड कुरकुरी हो गई है, तब तक आप इसको पकाइए। इस तरह से हम ऊपर से नीचे इसको करते रहेंगे, और इसको आपको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर आप लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये ऑयल पी लेंगी। तो यहाँ पे जब आप इसे हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऑयल कम पिएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड का जो कलर है, वाइट से हल्का सा रेड की तरफ होने लगा है। इसे आपको काला नहीं करना है। देखिए, ब्रेड हमारी क्रिस्पी होने लगी है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको कंटिन्यू ऊपर से नीचे तक करना है, ताकि ऊपर से नीचे करना है ताकि ये बिल्कुल एक बराबर कलर आए। ये नहीं हो कि कोई डार्क हो गया है, कोई लो हो गया है। तो यहाँ पे आपको इसे हाई फ्लेम पर लमसम 1 मिनट तक कुक करना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देख लिए, हमारी ब्रेड हार्ड होना शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे उसमें अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तब भी बेकार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छन्ना ले लेंगे और इसको हम फटाफट छन्ने में ट्रांसफर करेंगे इसमें। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और देखिए, ब्रेड का जो कलर है वो कितना प्यारा हो चुका है। अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया है। आपको भी 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो बच्चे पटाखे काफी ज्यादा दगा रहे हैं, आप लोग माइंड मत करना। अब इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। अब हम क्या लेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, या कप, आप जिससे भी मेजरमेंट करना चाहे कर लीजिए। एक छोटी कप भी डाल सकते हैं। और अब इसको हमें हल्का सा बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो जब तक ये बॉईल नहीं होगा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पानी में हल्का हल्का सा उबाल आ गया। अब इसमें हम 1 कप डालेंगे शुगर, जिसको कई जगह पे चीनी भी बोला जाता है। आपकी तरफ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे तो इसे शक्कर भी बोला जाता है। तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना मीठा आप लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी 1 तार की चाशनी रेडी करनी है। तो हम हाई फ्लेम पर इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो अब चीनी में उबाल आ चुका है, यानी इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी ये पकी नहीं है। तो इस स्टेप पे हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, जो मैं ऑरेंज वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे येलो वाला या ग्रीन वाला भी डाल सकते हैं, या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इसको डालने से लुक बहुत प्यारा आएगा।
तो इसको डाल के वापस से इसको पकाएंगे एक मिनट। तो चाशनी को बनने में कम से कम 2 मिनट का टाइम लगेगा और चेक करने का तरीका भी बताएंगे आपको। तो अब इसमें हम एक बूंद डालेंगे केवरा वाटर, काफी है। अगर आपके पास केवरा वाटर ना हो तो आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर या फिर आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं। आप इस तरह से चम्मच को लीजिए और हल्का सा प्रेस कीजिए उंगली को और देखिए अगर इसमें चिपचिपाहट मच रही है। और इस तरीके से देखेंगे तो एक तार बन रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे हमें इस तरह से हल्का सा एक तार, बिल्कुल नाम मात्र का एक तार या फिर चिपचिपाहट देख लीजिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तार तो अभी नहीं बनना है, थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे तार के लिए, लेकिन चिपचिपापन इसके अंदर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मावा यानी खोया। तो यहाँ पे मैंने होममेड डाला है, ये हमारा वेट ने 300 ग्राम है और ये मेरा घर का बना है। अगर आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये होममेड है, तो ये मैंने घर में खुद तैयार किया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसको डालकर हम वापस से पकाएंगे अपनी चाशनी को। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो चुका है और सारी चीजें हमारी आपस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल गई है। यहाँ पे मैंने खोए को हल्का सा दरदरा रखा है, बहुत ज्यादा इसको हमने पीस कर नहीं डाला था क्योंकि इस तरीके से जब मुंह में आता है खोया तो मजा आ जाता है। जिसको ऐसे नहीं पसंद है वो इसको बिल्कुल बारीक से पीस कर भी डाल सकता है मिक्सी जार में या फिर ऐसे भी डाल सकता है। अब हम चम्मच से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक तार बन रहा है, देखिए आपको करीब से दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए अब हमारा एक तार बीच में आ रहा है, ये देखिए आ रहा है। अगर कमेंट बॉक्स में पता चले तो बताना। ये देखिए एक तार अब बनना शुरू हो चुका है, चाशनी की हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस स्टेज तक हमने इसको पकाया था, अब हम इसको फटाफट निकाल लेंगे गैस से, यानी गैस उतार लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको इसको और पकाना है तो आप इसको मत पकाइएगा क्योंकि अगर आप और पकाएंगे तो आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने एक ट्रे ले लिया है, अब ये जो हमारा स्लाइस था देखिए बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। आपको भी हम दिखा भी देते हैं कितना क्रिस्पी है। तो यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं कितना क्रिस्पी है। और जब आप इसको टाइम देंगे तभी ये ठंडा होकर क्रिस्पी होगा, अगर आप गरम गरम बनाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसको हम फटाफट ऐसे एडजस्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको किसी भी ट्रे में या प्लेट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे अच्छे से एडजस्ट करना है, जैसे आप कर पाएं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए एक के ऊपर जो जगह बची है वहाँ पे हम इसको ऐसे लगा देंगे। ये लीजिए हमारा सारा लग चुका है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। अब हमने जो ये मिश्रण बनाया था चाशनी वाला खोए वाला, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी है। इसके ऊपर हम गर्मा गर्म इसको डाल देंगे, ठंडा नहीं करना है। आप गर्मा गर्म डालेंगे तभी इसके अंदर अच्छे से समाएगा। और अब हम इस तरह से इसके चारों तरफ इसको अप्लाई करेंगे। देखिए कितना गर्म है, तो हाथ का इस्तेमाल ना करना, चम्मच से आप इसको इस तरीके से लगा देना। ये लीजिए बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना। और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। और ये मिठाई आप इस दिवाली में जरूर ट्राई करना। ये देखिए इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है, थोड़ी देर में ये चाशनी इसके अंदर अच्छे से समा जाएगी। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट का टाइम देना है ताकि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए इसको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अब इसके ऊपर हम चांदी का वरक लगाएंगे इस तरीके से। तो अगर आपके पास चांदी का वरक ना हो तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आप इसमें रोज की पंखुड़ी लगा सकते हैं, यानी रोज की पत्ती भी लगा कर डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चांदी के वरक को इस तरीके से फैला देंगे क्योंकि ये हाथों में चिपक जाते हैं लगाते समय, तो इसलिए हमें इसको इस तरह से कर देना है। अब इसके ऊपर आप डेकोरेशन के लिए क्या डालेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं क्या डालूंगी आपको बताती हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा नारियल का बुरारा डालूंगी जिससे इसको लुक मिलेगा, अगर आप चाहें तो डालिए, ना चाहें तो मत डालिए। तो ग्रेटेड नारियल डाला है मैंने। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे बादाम जो हमने इस तरह से कट कर लिए हैं, आपकी मर्जी है आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 बादाम को इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से मैंने लगा दिया है। देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप इसे किस तरीके से खाएंगे दिवाली में जरूर बताना।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीज़ों से। देखिए, अगर आपके पास मावा ना हो तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको इस तरह से छोटे छोटे या बड़े बड़े जिस साइज में चाहें कट कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से ये बिल्कुल अच्छे से कटा जा रहा है। और अब हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो धारदार नाइफ का इस्तेमाल कीजिएगा इसको कट करने में। और ये लीजिए, हमारी खूबसूरत सी मिठाई रेडी हो चुकी है। आप इसे किसी को भी सर्व करेंगे, वो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएगा। और इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, और फैमिली वालों के साथ जरूर इन्जॉय करना। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। और दिवाली की तैयारी आपके यहाँ कैसे चल रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।